हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। आप कर रहे हैं फिजिक्स का यूनिट नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। और आओ आप फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप आज टॉपिक करांगे मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्स फोर्स एंड एनर्जी कंसीडरेशन। कल आप किया मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। ठीक है, कल मैं दस्या कि मोशनल ईएमएफ का की मीनिंग आ। एक बार दोबारा दस रही हूँ कि वह ईएमएफ जेड़ा के किसी भी मोशन की वजह नाल प्रोड्यूस हो। ठीक है, मोशनल ईएमएफ सो जे मतलब वह ईएमएफ वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिहड़ी के पूरे कंडक्टर की मोशन करके प्रोड्यूस होनू आप कहेंगे मोशनल ईएमएफ। सो टूडे आप करेंगे मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंट्स फोर्स। ठीक है, लॉरेंट्स फोर्स आर्टिकल में हम पहला भी नाम आ रहा लॉरेंट्स फोर्स। सो सब तो पहले सूँ इस चीज़ बारे पता होना चाहिए वट इज़ लॉरेंट्स फोर्स। सो लॉरेंट्स फोर्स की होंगी है, वह फोर्स जिहड़ी कि एग्जर्ट की जाती है बाय मैगनैटिक फील्ड के द्वारा ऑन द मूविंग चार्जिस उत्ते। मतलब कि कोई भी लैट कोई भी कंडक्टर आ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पे आ बहुत सारे। ठीक, उन्होंने फ्री इलैक्ट्रॉन्स उत्ते जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड ने फोर्स लगानी आ उन्होंने मूव कराना वा वो वजह जिन्हें करंट प्रोड्यूस होना। सो जी मैगनैटिक फील्ड फ्री इलैक्ट्रॉन्स उत्ते फोर्स लगाऊगी उन्होंने आप कहने लॉरेंट्स फोर्स। यू आप डिनोट करते हैं एफ एम दे नाल इज इक्वल्स टू यदि वैल्यू होंगी क्यू वी बी। एम मतलब ड्यू टू मैगनैटिक फील्ड करके जी फोर्स लग रही है, सो इस करके एफ एम। ठीक है, क्यू वी बी दे इक्वल। सो चलो हम आप आर्टिकल स्टार्ट करते हैं कि किमें आप लॉरेंट्स फोर्स तो इमोशनल ई एम एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, सो सब तो पहला मैं एक डायग्राम कंसीडर करती हाँ। एक कंडक्टर लिया, ठीक, कंडक्टर को नाम देता मैं पी क्यू। यह जो कंडक्टर आ एक साइड पर मैं ली कंडक्टिंग रेलिंग, इस कंडक्टिंग रेलिंग उत्ते ये फ्रीली मूव कर रहा। ठीक, आ ले ली मैं कंडक्टिंग एक रेलिंग, इस कंडक्टिंग रेलिंग उत्ते ये जो कंडक्टर आ इन्हें फ्रीली मूव करना। और जो ये कंडक्टर आ ये पूरी कंडक्टिंग रेलिंग ये कि प्रेजेंस में पई है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैगनैटिक फील्ड। सो जी मैगनैटिक फील्ड आ ये केस में की लग रही है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम, इत भी उपर सो हूँ यह जो कंडक्टर आदि मैं लेंथ ले ली हाँ ये जो कंडक्टर है इन्हें इनवर्ड मूव करना विद वेलोसिटी वी दे। ठीक है, यह जो कंडक्टर है इनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा विद वेलोसिटी। सेम डायग्राम है जो मैं पिछले आर्टिकल किया कि मोशनल ई एम एफ फ्रॉम फैराडेज लॉ उसमें भी सेम सेगा कि इदा ही आप कंडक्टर लैंने वो इनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता वा तो आप उस फ्लक्स फाइंड करते हैं। सो ये भी सेम ही है कि आप एक कंडक्टर लिया पी क्यू वह इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। जो भी आप देखा कि जो भी कंडक्टर कोई भी इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता तो उस टाइम जो करंट है वह किस डायरेक्शन मूव करता क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो करंट मूव करेगा इस रेलिंग दे विच क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच। फैराडेज लॉ तो भी अपन यह पता और फ्लेमिंग्स लैफ्ट लैफ्ट और राइट हैंड रूल तो भी अपन चीज़ पता। ठीक, हूँ मान लो कि इस कंडक्टर दे विच बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो जिहड़े ये फ्री इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ने ये जो ये कंडक्टर इस डायरेक्शन मूव करेगा जिनी वेलोसिटी नाल कंडक्टर मूव कर रहा विद वेलोसिटी वी। सो जो अपने को ये जो फ्री इलैक्ट्रॉन्स पे हो भी की आ सेम वेलोसिटी मूव करेगा भी जो कंडक्टर मूव करेगा। सो ये की आ जाऊगी मैगनैटिक फील्ड क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ मैगनैटिक फील्ड करके कर रहा। सो जी मैगनैटिक फील्ड होगी वह की करेगी जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होणगे उन्हां उत्ते की लगाऊगी फोर्स एग्जर्ट करेगी। ठीक है, जिन्हों आप कहने के लॉरेंट्स फोर्स। हूँ यह जो कंडक्टर है इस रेलिंग उत्ते मैं क्या फ्रीली मूव करेगा। सो यह जो कंडक्टर है इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी कि एक्ट हो रही है परपेंडिकुलर टू द मतलब नॉर्मली एक्ट करती है इन टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, हूँ जो ये कंडक्टर आ इन्हें जो मूव करना इनवर्ड डायरेक्शन दे विच विद वेलोसिटी वी दे नाल मूव करेगा। सो जी मैगनैटिक फील्ड आ वो की करेगी जिन्हें ये फ्री इलैक्ट्रॉन्स पे आ उन्होंने की करेगी अपनी फोर्स एग्जर्ट करेगी। सो सारे सारे फ्री इलैक्ट्रॉन्स जी फोर्स आ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल जो मैगनैटिक फील्ड इस डायरेक्शन लग रही है तो जी फोर्स वा वो कितों तो कितों लगेगी क्यू टू पी। मतलब कि जी फोर्स वा कितों तो जा रही है क्यू टू पी वल लग रही है।
सो जिन्हें भी इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे हो सारे मैगनेटिक फील्ड की उन्होंने पुश करूगी पी वाली साइड पुश करूगी तो सारे नैगेटिव चार्ज जो उरे कमुलेट हो जाने और पॉजिटिव चार्ज जो सारे उरे कमुलेट हो जाने ठीक। हुण नैगेटिव चार्ज सारे के सारे उरे इकट्ठे हो गए पॉजिटिव चार्ज सारे उरे इकट्ठे हो गए सो ये की डेवलप हो जानी है इलैक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी अक्रॉस द क्यू पी। सो जी फिर इलैक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उस इलैक्ट्रिक फील्ड ने की करना फिर जो फ्री इलैक्ट्रॉन्स आ उन्होंने उत्ते फोर्स एग्जर्ट करनी है हूँ वो कि फोर्स एग्जर्ट करूगी इलैक्ट्रिक फोर्स। सो हम आप डिनोट करते हैं एफ ई विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ई ठीक। मैगनैटिक फील्ड करके लॉरेंस फोर्स लगी जिद इलैक्ट्रॉन्स पुश होए क्यू तो पी वल इतने नैगेटिव इकट्ठे हो गए इतने पॉजिटिव इकट्ठे हो गए तो इतने अकमूलेशन जी चार्जिस की होंगी गई वह कि इलैक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इलैक्ट्रिक फील्ड लग रही है क्यू टू पी वाली तरफ। सो उन्हें भी की करना जो फ्री इलैक्ट्रॉन्स उन्होंने पुश करना ठीक है उपर वाली तरफ पी की तरफ मतलब। सो वो जी इलैक्ट्रिक फोर्स लग रही है वह कि क्यू इंटू वी जी मैगनैटिक फोर्स और इलैक्ट्रिक फोर्स आ यह जो तक बैलेंस नहीं हो जाती आपस उदों तक जो चार्जिस हो रहे अकमूलेट हो ही जाने इधर वाली साइड नैगेटिव चार्ज अकमूलेट हो जाने इधर वाली साइड पॉजिटिव चार्ज अकमूलेट हो जाने जब तक कि मैगनैटिक फोर्स बैलेंस नहीं हो जाती मतलब मैगनैटिक और इलैक्ट्रिक फोर्स दोनों बैलेंस नहीं हो जाती। सो एफ एम विच इज इक्वल टू एफ ई जो बैलेंस हो गई मतलब दोनों फोर्सिस की हो जाएंगी आपस में इक्वल एफ एम क्या इक्वल आ लॉरेंस फोर्स क्यू वी बी एंड एफ ई इज द इलैक्ट्रिक फोर्स विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ई आ क्यू नाल क्यू दी कैंसल हो गया। सो अपने को वी बी कहते बचे इक्वल टू ई ठीक। हूँ जो इतने नैगेटिव चार्ज इतने पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए सो ऑब्वियस है कि इतने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आऊगा। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा इन्हों करो दोनों एंड से अक्रॉस वो कहते इक्वल आ रहा पोटेंशियल डिफरेंस है जो आप डिनोट करते हैं वी दे नाल पोटेंशियल डिफरेंस वी वो कहते इक्वल आऊगा इलैक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर किन्नी इलैक्ट्रिक फील्ड लग रही है और अक्रॉस द लेंथ ऑफ कंडक्टर वो डिपेंड करता उत्ते पोटेंशियल डिफरेंस ठीक। हूँ इतने जी अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है ये आप इतने वैल्यू पुट कर देने की आ जाऊगा फिर आ जी इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वी बी इतने पुट की वी बी एल आ जी वी आ वेलोसिटी आह जी पोटेंशियल डिफरेंस इनू कैपिटल दे नाल इनू स्मॉल दे नाल डिनोट किया हुआ ठीक है पजल नहीं होना ठीक। आ पोटेंशियल डिफरेंस होगी आ की होगी अपने को वेलोसिटी ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स बी इंटू एल दे इक्वल हूँ अपने को आ गई वी बी एल। हूँ आपको पता कि जो आप कल किया मोशनल ई एम एफ मोशनल ई एम एफ की होंगे मोशनल ई एम एफ की वैल्यू जो मैं देखा की होंगी सी यही होंगी सी बी वी एल चाहे इन जिदा मर्जी लिख लो वी बी एल लिख लो चाहे बी वी एल वन इज द सेम थिंग ठीक। सो ए वाली सारी चीज़ कहते इक्वल आ गई दैट मीनस मोशनल ई एम एफ इक्वल। सो इतों यह सूँ क्लीयरली पता लग रहा कि जी मैगनैटिक फील्ड लग रही है वह पोटेंशियल डिफरेंस में मेनटेन करके रख रही है सर्किट के। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेनटेन हो रहा एंड जोड़ा ई एम एफ आ हो रहा वा इंड्यूस्ड हो रहा सर्किट के ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस आ जिन्ना मेनटेन होगा उन्ना ही इंड्यूस्ड ई एम एफ भी जो प्रोड्यूस होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस मेनटेन होने इंड्यूस्ड ई एम एफ की हो रहा प्रोड्यूस। हूँ आप देख रहे हैं ये देखते हैं कि जो अपने को करंट करंट की किन्ना करंट जोड़ा वा सर्किट में फ्लो कर रहा वा ठीक है करंट अक्रॉस द कंडक्टर मैं लै रही हूँ। सब तो हम आप कुछ हम फैक्टर डिस्कस रंग करा कि किन्ना करंट वा फोर्स की वैल्यू किन्नी आ फिर पावर किन्नी लग रही है सारा कुछ आप फैक्टर्स डिस्कस करा हम वन बाय वन। सब तो पहला मैं डिस्कस कर दी हाँ करंट सो करंट इन द कंडक्टर करंट अक्रॉस इन द कंडक्टर हूँ जो मैं ये लैट कर ला कि आ जो कंडक्टर आ पी क्यू ये अक्रॉस जो रजिस्टेंस आ बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू इतने नाम दे दो कोई भी आर एस। सो जी आ रेलिंग आ क्यू आर आर एस और एस पी इन्हों के कोरसपोंडिंग जो कंडक्ट करंट आ वह जो वा मतलब जो रजिस्टेंस आ बहुत ज़्यादा घट वा एज कंपेयर टू पी क्यू। सो जो करंट आऊगा अक्रॉस द कंडक्टर पी क्यू वो कि इक्वल होगा आई विच इज इक्वल टू ई एम एफ बाय आर ठीक है ई एम एफ बाय आर ई एम एफ की वैल्यू आप हमने फाइंड की उपरों वो कहते इक्वल आ जूगी बी वी एल डिवाइडेड बाय आर
ਆਪਾਂ EMF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀ BVL ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ EMF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ EMF ਦੀ ਆਈ BVL ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ BVL ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਇਨ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਰੇਲਿੰਗ ਠੀਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵੇਬਲ ਆਰਮ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੂਵੇਬਲ ਆਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵੇਬਲ ਆਰਮ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਔਨ ਮੂਵੇਬਲ ਆਰਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਊ ਵੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ Q ਆ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀਲੀ P ਤੇ Q ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮਤਲਬ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ L ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੋ ਆਈ ਬੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਾਈਨ 90 ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾ ਲੈਂਥ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਲੇਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ 90 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ 91 ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਐਲ ਆਈ ਬੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਐਫ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲ ਬੀ ਬੀ ਐਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਆਰ ਇੰਟੂ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੀ ਆਊਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਐਲ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਆਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੀ ਵੀ ਐਲ ਬਾਈ ਆਰ ਬੀ ਵੀ ਐਲ ਬਾਈ ਆਰ ਇੰਟੂ ਬੀ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਐਲ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਆਰ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਮੂਵੇਬਲ ਆਰਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਕੀ ਆ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਬੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਐਲ ਵੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗੂਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਕਰੋਸ ਆ ਇਸ ਫੋਰਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੂਵੇਬਲ ਆਰਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲਿਊ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਰਕ ਡਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਮਾਲ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਫ ਡੀ ਐਕਸ ਬਾਏ ਡੀ ਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੀ ਐਕਸ ਬਾਏ ਡੀ ਟੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਲੋਸਟੀ ਦੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਇੰਟੂ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਸੋ ਜੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਮਾਲ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਲ ਅਕਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਸੋ ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਲ ਡੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਡੀ ਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਲੋਸਟੀ ਸੋ ਪਾਵਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਵਿਲੋਸਟੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ
इतने आई की वैल्यू लिखने अगर यूज होनी है बी वी एल बाय आर सी ठीक है उतो P which is equals to F into V force the value आपा put कर दें force the value की है B square V L square divided by R into V so मेरे को force the value की आ गई B square V the square 1 2 so square L the square divided by R so जड़ी external force लगान दे ना जड़ी मेरे को power और develop हो रही है जा okay दे equal है इस चीज़ के बिल्कुल इन्नी पावर है जी डेवलप होगी हूँ आप देखते हैं इस आर्टिकल दे पावर डिसिपेशन कितनी पावर है जी डिसिपेटिड हो रही है सो नैक्सट है अपने को पावर डिसिपेटिड इनू आप डिनोट करते हैं पी जे यह जरा कंसैप्ट ना पावर डिसिपेटिड डिसिपेटिड का मतलब की होंगे सब तो पहला लॉस होना कि किन्ना क लॉस हो रहा है ठीक है ये जिहड़ा कंसैप्ट है यह बेस्ड हुंदा वा जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग ते यह कंसैप्ट है जिहड़ा बेस्ड हुंदा मतलब कि किन्नी हीट प्रोड्यूस हो रही है और किन्नी लॉस हो रही है ठीक है सो किन्नी क पावर है जिहड़ी ओह की हो रही है लॉस हो रही है आपां इह देखणा इहदे विच कि आपां तां पावर इन्नी डेवलप करती बट जदों सर्किट ने सारा काम किया तो किन्नी पावर है जिहड़ी अपने को लॉस होगी जाउल्स नाल रिलेटेड सो इस करके इहनूं आपां पी जे दे नाल डिनोट कर रहे हैं सो आपां पावर डिसिपेटिड सो जिहड़ी पावर डिसिपेटिड आ ओह हुंदी आ I into V ठीक के किन्ना करंट फ्लो कर रहा है और किन्नी वेलोसिटी मतलब किन्नी वेलोसिटी ने चार्ज मूव करेंगे और किन्ना करंट फ्लो करूंगा ठीक सो I into V V अपन पता अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V की हुंदा I into R ठीक सो ओ इत्थे वैल्यू पुट करती मैं I into R I की होगी I दी स्केयर इंटू आर सो मेरे को पावर डिसिपेटेड की वैल्यू कितनी आ गई आई स्केयर डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई आर सो इतने मैं दोबारा हूँ आई की वैल्यू पुट कर दूंगी इस एक्सप्रैशन ठीक सो पी जे विच इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर आई आई की वैल्यू आप कितनी फाइंड की बी वी एल डिवाइडेड बाय आर बी वी एल डिवाइडेड बाय आर इंटू आर यदि की आ जूगी स्केयर ठीक है आवले एक्सप्रैशन च अपा आई की जगह पर वह वैल्यू पुट करती बी वी एल डिवाइडेड बाय आर सो बी वी एल डिवाइड बाय आर दी स्केयर सो स्केयर आ गई आर कि आ गया अपने को बी स्केयर वी स्केयर एल स्केयर बाय आर स्केयर इंटू आर आ एक आर नाल एक कैंसल हो जाओ सो अपने को जी पावर बची डिसिपेटिड ओके इक्वल आई बी स्केयर वी स्केयर एल स्केयर बाय आर देखो जेड़ी अपने कोल पावर आई सी आ पई है पावर बी स्केयर वी स्केयर एल स्केयर बाय आर और जेड़ी अपने कोल पावर डिसिपेटेड है दिस इज जे बी स्केयर वी स्केयर एल स्केयर बाय आर मतलब के कि जिन्नी पावर जेड़ी प्रोड्यूस हुई उन्नी ही लॉस हुई मतलब पावर जेड़ी डिसिपेटेड हुई वो केरे इक्वल आ पावर दे कि जिन्नी फोर्स अप्लाई करन ते एक्सटर्नल मूवेबल आर्म दे उत्ते जिन्नी पावर प्रोड्यूस हो रही है उन्नी ही पावर की हो रही है जो सारा काम सर्किट में हो रहा है उन्नी ही पावर की हो रही है लॉस हो रही है सो इतों आप जी एनर्जी कंसीडरेशन का कंसैप्ट है ये भी आप क्लीयर हो रहा किमें हूँ जो मैं ये उत्ते मूवेबल आर्म उत्ते फोर्स अप्लाई की तो मैं कि एनर्जी दी मकैनिकल एनर्जी सो इस फोर्स अप्लाई करन दे नाल की होना मैगनैटिक फील्ड है जी उस कुछ चेंज आऊगा मतलब एक तरह ना मैं कह सकती मैगनैटिक फ्लक्स में चेंज आऊ मैगनैटिक फ्लक्स में चेंज आने के नाल की होना इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस होना जो इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस हो गया मतलब मेरे को जी मकैनिकल एनर्जी से किस चेंज होगी मकैनिकल एनर्जी विल चेंजिज इंटू इलैक्ट्रीकल एनर्जी ठीक है इलैक्ट्रीकल एनर्जी में चेंज होगी उस इंड्यूस्ड ई एम एफ ने की प्रोड्यूस करना अपने को करंट करंट इंड्यूस कर देना सो जो वो करंट प्रोड्यूस होगा वह की हो गया मतलब थर्मल एनर्जी हीट होया ना जो तो करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट ने क्या हीट मतलब थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस मतलब कि जिन्नी कि मैं मकैनिकल एनर्जी दे रही हूँ उन्नी इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उन्नी ही अगे की हो रही है थर्मल एनर्जी के फॉर्म के एनर्जी की हो जा रही है लॉस हो जा रही है मतलब जिन्नी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उन्नी की एनर्जी की हो रही है लॉस हो रही है सो इतों ये कह सकते हैं कि यह जी कंसैप्ट है वारी वारी इदा ही सारी प्रोसैस चलती रहती है तो मतलब ड्यू टू
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एनर्जी जी है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो जी एनर्जी है टोटल की रही है कॉन्सटेंट ही रही, जिनी प्रोड्यूस उन्नी ही की हो जाती है लॉस हो जाती है। सो इतों एक कंसैप्ट है जोड़ा एनर्जी कंसीडरेशन का भी पता चल रहा है कि पावर है जी इक्वल टू पावर डिसिपेशन और ड्यू टू द एनर्जी कंसीडरेशन। सो यह अपना कंसैप्ट मोशनल ई एम एफ फ्रॉम लॉरेंस फोर्स और एनर्जी कंसीडरेशन के ई एम एफ ना किमें प्रोड्यूस किया लॉरेंस फोर्स तो फिर अगे वो सारे फैक्टर्स आप डिस्क्राइब किए करंट कि चाहिए वा कि फोर्स लगेगी, ठीक है, कि अपने को पावर फिर कि पावर लगेगी और कि पावर है जी लॉस भी होगी, ठीक है। सो असी अपना कंसैप्ट मोशनल ई एम एफ का नैक्सट करते हैं आप रिलेशन बिटवीन नैक्सट कंसैप्ट है अपना रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन फ्लक्स। की रिलेशन आ इंड्यूस्ड चार्ज और जो फ्लक्स में चेंज आता, सब तो पहला इंड्यूस्ड चार्ज में आप किस चीज़ डिनोट करते हैं क्यू दे नाल, और चेंज इन फ्लक्स मतलब चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई और इनू मैं लिख सकती हाँ डी फाई, डेल्टा फाई और डी फाई, डेल्टा और डी है ना जेडे ये दोनों चीज़ सेम होंगी, यदा मतलब भी समॉल चेंज, यदा मतलब भी समॉल चेंज। सो यदा क्वेश्चन भी बन सकता कि शो दैट कि जो इंड्यूस्ड चार्ज वा वो सिर्फ डिपेंड करता नैट चेंज इन फ्लक्स से और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होंगे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से, ठीक। सो यह आप चीज़ अच्छे प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन मैं लास्ट से लिखा दूंगी जो आर्टिकल यह कंप्लीट होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन बनाया। सो हम आप पता कि जो ई एम एफ आ प्रोड्यूस होंगे केदे इक्वल होंगे, जे आप मैगनीट्यूड की फॉर्म से गल करिए कि जो ई एम एफ आ केदे इक्वल होंगे डी फाई बाय डी टी, और इन मैं कि लिख सकती हाँ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, जो नैट चेंज आता फ्ल ई एम एफ के कि जिन्ना चेंज होंगे विद रिस्पैक्ट टू टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से डिपेंड होंगे, ठीक है। और आई कहते इक्वल होंगे जिन्ना करंट प्रोड्यूस होना, करंट कहते इक्वल होंगे ई एम एफ बाय आर ते तो पता ही है जो करंट डिपेंड करता ई एम एफ डिवाइडेड बाय कि रजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा। तो और जनरली आप पता कि जो आई आ कितने डिपेंड होंगे चेंज इन चार्ज डिवाइड पर चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, आई के देखो होंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी मतलब कि क्यू बाय टी कि किन्ना क चार्ज फ्लो कर रहा वा कि चार्ज में चेंज आ रहा वा टाइम टाइम के चेंज होने, ठीक है। सो यह होंगे आई की वैल्यू आ गई डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इतने मैं हूँ की वैल्यू पुट कर दिनी ई एम एफ, इन्हें एवं भी लिख सकते हैं ई एम एफ इन टू वन बाय आर, इन दोनों फैक्टर्स मैं अलग अलग कर लिया, ठीक। सो आ जो ई एम एफ आ ई एम एफ की वैल्यू इतों पुट की डेल्टा क्यू बाय डेल्टा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इंटू वन बाय आर मैं इधर दिता आ भी चीज़ इधी लिख दी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक। आ वाला जो टी आ तो जो आ वाला टी है दोनों की हो गया आपस में कैंसल आउट। सो मेरे को बचिया कि बचिया डेल्टा क्यू विच इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर, मतलब के जेड़ा चेंज आ रहा वा चार्ज दे विच वो कितने डिपेंड करता नैट चेंज इन फ्लक्स पर रेजिस्टेंस, इन मैं किवें लिख सकती हाँ नैट चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। सो मतलब कि कहने का यह आ कि जेड़ा इंड्यूस्ड चार्ज आ सिर्फ डिपेंड करता कि फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा वो इस चीज़ से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग जिन्ना फ्लक्स में चेंज आता उत्ते बिल्कुल नहीं डिपेंड करता सिर्फ नैट चेंज से डिपेंड करता फ्लक्स से। सो यह हो गया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज, क्योंकि जे देखो जे फ्लक्स टी नाल डिवाइड होंगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, पिछले आर्टिकल भी मैं दसिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की चीज़ होंगी है फ्लक्स के चेंज आना रेट लग गया तो पर यूनिट टाइम टाइम के अकॉर्डिंग जिन्ना फ्लक्स में की आ रहा चेंज आ रहा दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
सो इतने तक कल्ला फ्लक्स आ रहा टाइम तो आई नहीं रहा सो दैट मीनस डेल्टा मतलब चेंज सो जिन्ना नैट चेंज सिर्फ फ्लक्स में आ रहा उत्ते डिपेंड करता डेल्टा क्यों सो यदा क्वेश्चन ये बनता कि प्रूव दैट इतने लिख दें सो क्वेश्चन ये इदा भी आ सकता प्रूव दैट induced charge is completely independent from rate of change of फ्लक्स कि जेड़ा इंड्यूस्ड चार्ज है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आही चीज़ आपा प्रूफ की है कि जेड़ा क्यू आ सिर्फ नैट चेंज ते डिपेंड करता टाइम दे नाल ओदा बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है कि सिर्फ जिन्ना नैट आऊगा चेंज ओदे ते ही डिपेंड करूगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता सो ये सीगा ये क्वेश्चन हुण अपना नैक्सट आर्टिकल हैगा कि मैथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कि किन्ने तरह के मैथड आ जिन्ना नाल आपां इंड्यूस्ड ईएमएफ नू जनरेट कर सकते हैं जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो आपां नू एक चीज तो पता कि जिहड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ हमेशा किद्दां प्रोड्यूस हुंदा कि जिन्ना फ्लक्स विच चेंज आई जाऊगा उन्ना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ने प्रोड्यूस होई जाना ठीक है जिन्ना फ्लक्स विच चेंज उन्ना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ने प्रोड्यूस फ्लक्स किहदे इक्वल होंदी अपने कोल बी ए कॉस थीटा कोथीटा उदो हुंदा हुंदा जदों जिहड़ा एरिया वा उहदा जिहड़ा नॉर्मल आ मैगनैटिक फील्ड नाल कोई एंगल फॉर्म करदा होवे हैना उस केस विच अपने कोल फाई जिहड़ी आंदी हुंदी है बी ए कोस थीटा दे इक्वल हुंदी है जे अपने कोल जिहड़ा नॉर्मल आ उह अलोंग द मैगनैटिक फील्ड आ तां उस केस विच जिहड़ी फाई आ जांदी हुंदी उह हुंदी अपने कोल बी इनटू ए बट जनरली आपां आ चीज़ यूज कर सकदे हां सो फ्लक्स विच जिन्ना चेंज आऊगा एक चीज़ पता कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उन्ना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ठीक अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हुण आपां ये देखना कि आपां फ्लक्स विच चेंज किद्दां लिया सकते हैं फ्लक्स विच चेंज लियाउण दे की तरीके ने इन्हां तो ही आपां जिहड़ा आह फैक्टर आ जिहड़ी आह रिलेशन आ इस रिलेशन तो ही आपां देख सकते कि किस तरह आपां फ्लक्स विच चेंज लिया सकते देखो फ्लक्स आ जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जिन्ना चेंज मैगनैटिक फील्ड विच उन्ना ही चेंज फ्लक्स विच दूसरा जिन्ना चेंज एरिया दे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जिन्ना चेंज एरिया करांगे उन्ना ही चेंज आजूगा फ्लक्स विच आजूगा तीसरा थीटा मतलब जिहड़ा इन्हां दोनों विच की आ ओरिएंटेशन हो रही है मैगनैटिक फील्ड और एरिया दे जिहड़े नॉर्मल कंपोनेंट विच एंगल बनया होया उन्ना विच जिन्ना चेंज मतलब थीटा जिन्ना वेरी करूगा उन्ना ही ज़्यादा फ्लक्स विच चेंज आऊगा सो ये तीन मैथड ने सो इन्हां नूं आपां लिख लैंदे आ फस्ट मैथड की आ चेंजिंग द मैगनैटिक फील्ड सब तो पहला आप आ चीज़ करते हैं कि मैगनैटिक फील्ड में आप किवें चेंज कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ नूं किवें प्रोड्यूस कर सकते हैं मैगनैटिक फील्ड नूं चेंज करके जिवें आप पिछे फैराडेज लॉस विच भी किया तीन तरह के मैथड होंगे आ पहला मैथड की आ मूविंग द मैगनेट एंड विद स्टेशनरी कॉइल कि मैगनेट नू मूव कराना बट कादे नाल स्टेशनरी कॉइल कि कॉइल आ जिहड़ी उहनू स्टेशनरी रख लो मैगनेट नू मूव करा लो दूसरा इहदा रिवर्स हो जाऊ मूविंग कॉइल विद रिस्पैक्ट टू स्टेशनरी मैगनेट और विद स्टेशनरी मैगनेट ठीक तीसरा मैथड है वेयरिंग द करंट इन द नेबरिंग कॉइल वेयरिंग करंट इन नेबरिंग कॉइल सो देखो ये तीनों मैथड आप मतलब ये जनरली दो तो ये ज़्यादा यूज होंगे ये भी यूज कर लें होंगे आप सो आह मैथड तो आप तीनों किए ही हुए हैं सो मूविंग मैगनेट विद स्टेशनरी कॉल जो मैं मैगनेट को स्टेशनरी रखती सी और जी कॉयल आ सॉरी स्टेशनरी कॉयल रखती सी और मैगनेट को मूव कराती सी
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਈ ਐਮ ਐਫ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਇਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈ ਐਮ ਐਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰੈਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਗਨੇਟ ਐਂਡ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਇਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਹੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨੇਬ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਇਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਗੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਰੇਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਔਰ ਫੈਰਡਿਸ ਲਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੇਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਡੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡੀ ਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਆ ਡੀ ਫਾਈ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੀ ਇੰਟੂ ਡੀ ਏ ਡੀ ਏ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ ਸੋ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬ੍ਰੈਥ ਸੋ ਡੀ ਐਕਸ ਜੇ ਏਰੀਆ ਸਮਾਲ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਸਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੀ ਐਲ ਇੰਟੂ ਵੀ ਡੀ ਟੀ ਸੋ ਡੀ ਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਐਲ ਵੀ ਡੀ ਟੀ ਸੋ ਈ ਐਮ ਐਫ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲਈਏ ਡੀ ਫਾਈ ਬਾਏ ਡੀ ਟੀ ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡੀ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਓ ਈ ਐਮ ਐਫ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਐਲ ਵੀ ਡੀ ਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਡੀ ਟੀ ਸੋ ਆਹ ਡੀ ਟੀ ਨੇ ਡੀ ਟੀ ਕੈਂਸਲ ਸੋ ਈ ਐਮ ਐਫ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਐਲ ਵੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈ ਐਮ ਐਫ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਈ ਐਮ ਐਫ ਆ ਮੋਸ਼ਨਲ ਈ ਐਮ ਐਫ ਸੋ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਸੀ ਡੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ ਐਮ ਐਫ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨਲ ਈ ਐਮ ਐਫ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੋਪਿਕ ਕੀਤਾ ਮੋਸ਼ਨਲ ਈ ਐਮ ਐਫ ਫਰੋਮ ਲਾਰੈਂਟਸ ਫੋਰਸ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਊ ਐਂਡ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰਜ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਥਰਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈ ਐਮ ਐਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਫਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਲਕਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਲਕਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀ ਔਰ ਏ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊ ਥੈਂਕ ਯੂ